अब रहा सवाल प्रधानमंत्री के भाषण का, जिसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में बात कही है, हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि ये आपका अमृत उत्सव है क्या कि जिस महिला को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसके साथ बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप और मर्डर कर दिया, बिलखिस बानो को उसके पड़ोसियों ने जो उसको जानते थे, बिलखिस बानो जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका बारी बारी से 11 लोगों ने उसका रेप किया, उसके सामने उसके 3.5 साल की बच्ची के सर को पत्थर पर मारकर उसको कत्ल कर दिया और उसके साथ जो 4 और महिलाएं थी उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया, और ये तमाम के तमाम करने वाले बिलखिस बानो के पड़ोसी थे। बल्कि जब बिलखिस बानो की का रेप हो रहा था तो जो बिलखिस बानो अपने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी वो अपने पड़ोसी की दुकान से खरीदी हुई चूड़ियां थी, और बिलखिस बानो को बॉम्बे हाईकोर्ट में वहां पर सजा हुई, बल्कि ना सिर्फ उन 11 लोगों को बल्कि पुलिस के ऑफिसर्स को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो कनाइफ कर चुके थे कि उसके साथ। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है और एक महिला को जिसको 11 लोगों ने उसका रेप किया, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बच्ची उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया, ये कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था एग्जामिन करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो बोल के? अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ते मुंबई ब्लास्ट में जो रुबीना मेमन है, 17 साल से वो भी जेल में है, गुजरात में वडोदरा सीरियल ब्लास्ट में 18 साल से जेल में है, गोधरा के लोग 19 साल से जेल में है, छोड़े ना इनको भी आप। जो भी डिसीशन भाजपा लेती है वो एक रिलीजियस समुदाय के हक में हमेशा लेती है और कंप्लीटली बायस्ड होकर लेती है। यकीनन सीआरपीसी में प्रोविजन है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे हीनियस क्राइम के लिए, और भी आजादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल की आजादी, और खुद प्रधानमंत्री का लाल किले से खड़े होकर महिलाओं के बारे में, नारी के उसको पावरफुल करने की बातें करते हैं और ये काम होता है, हम इसका कंडेम करते हैं। और देश देख रहा है कि बीजेपी सिर्फ जबानी तौर पर महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की स्ट्रेंथनिंग की बात करती है, मगर जहां पर बात आती है मुस्लिम महिलाओं की आप भूल जाते हैं उनको, ये आपकी मोहब्बत है। और रक्षाबंधन के दिन तमाम भाजपा के लोग मुस्लिम खवातीन को बुरखा में हिजाब में बुला बुला कर अपने हाथों पर राखी बना रहे थे। बिलखिस बानो क्या तुम्हारी बेटी बहन नहीं थी, तुम्हारी बेटी नहीं थी कि एक महिला प्रेग्नेंट है, 3.5 साल की बेटियों से सामने हत्या कर दी गई और उन हथियारों को आप छोड़ देते हैं? तो छोड़िए ना फिर आप। गोधरा के लोग भी जेल में हैं, रुबीना मेमन भी 17 साल से जेल में है जबकि गाड़ी तो उसके नाम पे भी नहीं थी। आपका सीरियल ब्लास्ट है वडोदरा सीरियल, वो भी जेल में, छोड़िए उनको भी आप। मगर आप सिर्फ एक समुदाय के लिए आप बायस्ड हैं, बस ये भाजपा की असलियत है।